हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब? आई होप सभी ठीक होंगे। तो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर फार्माको विजिलेंस के लेक्चर्स अपलोड कीजिए चैनल पे। तो हमारा जो पिछला जो सब्जेक्ट था फार्मा मार्केटिंग, वो कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे फार्माको विजिलेंस। बहुत से स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड थी, तो हमने सोचा कि पहले इसको ही कंप्लीट करवाएं। तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम जनरल इंट्रोडक्शन देखेंगे, इसके ऑब्जेक्टिव देखेंगे, इसका स्कोप देखेंगे फार्माको विजिलेंस की। तो ये बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है और इससे आपको बहुत ही ज़्यादा नॉलेज मिलने वाला है। तो ये इस सब्जेक्ट को पढ़ने में बहुत ही मजा आएगा। तो दोस्तों पहले देख लेते हैं जनरल इसके बारे में हम कि फार्माको विजिलेंस एक्चुअली होता क्या है। तो फार्माको विजिलेंस मतलब इसको वर्ड को देखें, फार्माको विजिलेंस मतलब फार्माकोन तो मतलब हो गया रिलेशन इसका ड्रग से, मतलब फार्माकोन एक ग्रीक वर्ड है, इसका रिलेशन हो गया ड्रग से। आगे है विजिलेंस। अब विजिलेंस आपने सुना होगा कि जैसे अब ये तो अपनी मेडिकल फील्ड होगी, अदर फील्ड में देखिए कि विजिलेंस टीम आ गई। तो विजिलेंस टीम का वर्क क्या होता है कि वो कोई भी मतलब कोई भी वर्क हो रहा है किसी भी फील्ड में, कोई गलत वर्क हो रहा है तो उसको मॉनिटर करती है, उसको चेक करती है। जैसे जो लाइट है, इलेक्ट्रिसिटी है, अगर उसकी मतलब चोरी की जाती है तो उसमें एक विजिलेंस टीम आती है, नाइट में आती है, जब भी आती है वो चेक करती है कि कोई कहीं चोरी तो नहीं हो रही है, तो उस टीम को बोलते हैं विजिलेंस। तो इसी में यही है कि जो मेडिकल फील्ड में ड्रग से रिलेटेड कोई एडवर्स ड्रग रिएक्शन हो रहा है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, उसको फार्माको विजिलेंस जो टीम होगी वो मॉनिटर करेगी, उसको चेक करेगी, उसको प्रिवेंट करेगी। जो भी प्रोसेस इसके अंदर होंगी बेसिकली वो अंडर होंगी फार्माको विजिलेंस। मतलब इसके अंदर हमें स्टडी करना है कि जो भी एडीआर कोज हो रही है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन ड्यू टू ड्रग्स मेडिसिन, उसको कैसे प्रिवेंट करना है, कैसे पता लगाना है, कैसे उसको मॉनिटर करना है, कैसे असिस्ट करना है। तो ये सब कुछ इस फार्माको विजिलेंस के अंदर हम स्टडी करेंगे। और दोस्तों एक चीज और मैं बोलता हूँ, इसके जो नोट्स है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आप ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आप अफोर्डेबल प्राइसेज में नोट्स परचेज कर सकते हैं। ज्यादा चार्जेज नहीं करता हूं मैं, एक अफोर्डेबल प्राइसेज है, उसको आप इजीली अफोर्ड कर सकते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं इसको इंट्रोडक्शन से। तो ये पार्ट फर्स्ट होगा हमारा फार्माको विजिलेंस का, वी फार्मा एस सेमेस्टर। तो इसमें इंट्रोडक्शन में देखेंगे जनरल डेफिनेशन। दोस्तों डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में 2 मार्क्स में एग्जामिनर पूछ सकता है। तो डेफिनेशन बहुत ही सिंपल डेफिनेशन, जो मैंने अभी आपको बताया वही डेफिनेशन के अंदर आपको देखने को मिलेगा। द फार्माको विजिलेंस एज पर WHO डिफाइंड, WHO के अकॉर्डिंग फार्माको विजिलेंस की डेफिनेशन क्या होगी। द साइंस एंड एक्टिविटीज कंसर्न विद द, साइंस है और एक्टिविटीज कंसर्न विद द डिटेक्शन, असाइनमेंट, अंडरस्टैंडिंग एंड प्रिवेंशन ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन टू मेडिसिन, जो मेडिसिन के द्वारा एडवर्स ड्रग रिएक्शन कोज हो सकती है उनको डिटेक्शन करना, असाइनमेंट, अंडरस्टैंडिंग एंड प्रिवेंशन, इसको हम बोल सकते हैं फार्माको विजिलेंस इसके अंडर आता है। तो इसे देखिए, साइंस एंड एक्टिविटी कंसर्न विद द डिटेक्शन, असाइनमेंट, अंडरस्टैंडिंग एंड प्रिवेंशन ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन टू मेडिसिन, पार्टिकुलरली लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म, एडीआर कैसे भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म हो सकता है, लॉन्ग टर्म होता है, इसके बारे में हम आगे एक सेपरेट चैप्टर आएगा उसमें डिस्कस करेंगे। अदर डेफिनेशन देखिए, हाउएवर एज पर यूरोपियन कमीशन इसकी डेफिनेशन क्या है, फार्माको विजिलेंस इज डिफाइंड एज द साइंस एंड प्रोसेस टू मॉनिटर द सेफ्टी ऑफ मेडिसिनल ड्रग एंड टेक एक्शन फॉर इंक्रीजिंग द बेनिफिट एंड रिड्यूसिंग रिस्क ऑफ मेडिसिन। वही बात आ गई कि जो भी ड्रग से रिलेटेड सेफ्टी है उसकी मॉनिटरिंग करनी है, अगर उसका कोई एडवर्स ड्रग इफेक्ट आ रहा है तो उसको रिड्यूस करना है और ड्रग की एफिकेसी को हमें बढ़ाना है, तो वही इसके अंदर आता है फार्माको विजिलेंस में। अब सेकंड है इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा फार्माको विजिलेंस का, ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं हम। टू इम्प्रूव पेशेंट केयर, अब देखिए अब जब एडवर्स ड्रग रिएक्शन मॉनिटर की जा रही है तो मतलब सब हो, सभी को पता है कि अगर एडवर्स ड्रग रिएक्शन नहीं आएगा तो जो पेशेंट केयर है उसमें इंप्रूवमेंट होगा। सेकंड है टू प्रोवाइड मेडिसिन एंड ऑल मेडिकल एंड पैरामेडिकल सर्विस सेफ,
जो भी सर्विस प्रोवाइड की जा रही है मेडिकल रिलेटेड वो सभी सेफ होंगी, क्योंकि उनमें एडवर्स ड्रग रिएक्शंस के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे अगर फार्माकोविजिलेंस टीम अपने अच्छे से वर्क करेगी तो। टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ सर्विस, अब पब्लिक हेल्थ सर्विस तो इम्प्रूव होगी ही क्योंकि पैरामेडिकल मेडिकल जो भी है सर्विस सेफ होगी। टू असेस बेनिफिट रिस्क एंड इफेक्टिवनेस ऑफ मेडिसिन, जो भी है बेनिफिट्स हैं रिस्क हैं वो सभी इसके अंदर मॉनिटर होंगे और जो इफेक्टिवनेस ऑफ मेडिसिन है वो आपको दिखाई देंगे। फाइव है टू एनकरेज सेफ रेशनल थेरापेटिकली इफेक्टिव एंड कॉस्ट इफेक्टिव यूज ऑफ मेडिसिन। अब इसमें यह है कि कॉस्ट इफेक्टिव मेडिसिन आपको मिलेंगी और रिलायबल मेडिसिन मिलेंगी, मतलब उनकी क्वालिटी है बहुत अच्छी होगी, वो एलडीआर कॉज नहीं करेंगी, कम से कम साइड इफेक्ट कॉज करेंगी। टू प्रमोट अंडरस्टैंडिंग एजुकेटिंग एंड क्लिनिकल ट्रेनिंग इन फार्माकोविजिलेंस, अब इसमें क्या होगा ये ट्रेनिंग को भी प्रमोट करेगा, जो क्लिनिकल ट्रेनिंग होती है फार्माकोविजिलेंस की। टू सपोर्ट इफेक्टिव कम्युनिकेशन टू हेल्थ केयर प्रोफेशनल एंड द पब्लिक, मतलब जो भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैं और पब्लिक है उनमें इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए सपोर्ट करेगा फार्माकोविजिलेंस। अब देख लेते हैं इसका स्कोप क्या क्या है, कुछ स्कोप है उनको डायग्रामेटिकली हमने रिप्रेजेंट किया है। फार्माको आपको भी ऐसे भी ड्रॉ करना है, ऐसे ड्रॉ करोगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, एग्जामिनर अट्रैक्ट होगा। तो फार्माकोविजिलेंस फर्स्ट रोल हो गया, इसका स्कोप हो गया एडीआर मॉनिटरिंग में, एडवर्स ड्रग रिएक्शन में, इंटरेक्शन ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन इंटरेक्शन, मेडिकेशन एरर, कोई भी मेडिसिन में एरर आ रहा है उसके अब्यूज और मिसयूज ऑफ मेडिसिन, जो भी अब्यूज और मिसयूज ऑफ मेडिसिन किया जाता है वो भी इसी टीम के द्वारा मॉनिटर किया जाता है। लेक ऑफ इफिकेसी, किसी ड्रग की जो सेफ्टी है इफिकेसी है वो अगर उसमें लेक होता है तो वो भी इसी के द्वारा मॉनिटर किया जाता है। तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में हमने स्टडी किया जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोविजिलेंस ऑब्जेक्टिव एंड देयर स्कोप्स। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको मतलब जो भी हमारी वीडियोज आएंगी वो आपको मतलब सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, सपोर्ट कीजिए, आप लोगों की सपोर्ट की वजह से ही हम रेगुलर वीडियोज लेके आ रहे हैं। और दोस्तों कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर आप नोट्स के लिए चार्जेस करते हो, तो दोस्तों देखिए हम भी आपके लिए वर्क कर रहे हैं तो इतना चार्ज हम कर सकते हैं क्योंकि हम इतना टाइम आपके लिए निकालते हैं। अब एक तरह से आप समझ लीजिए कि हम आपके लिए एक जॉब कर रहे हैं। तो आप अब कुछ बच्चे करते हैं कमेंट, लेकिन ऐसे अब सभी लोग ऐसे नहीं करते हैं, कुछ लोग अच्छे होते हैं कुछ बुरे होते हैं, तो हम जो बुरे लोग हैं उनको इग्नोर करना चाहिए। तो बस जो सपोर्ट करते हैं उनको धन्यवाद और जो नहीं करते हैं उनको भी धन्यवाद। तो बने रहिए बस हमारे साथ ऐसे ही।